नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अलीगढ़ में भी तनाव बरकरार है। भारी सुरक्षा के बीच हालात काबू में हैं, हालांकि आज भी अलीगढ़ में इंटरनेट सेवा बंद है। इसके अलावा अलीगढ़ से सटे बुलंदशहर में हाई अलर्ट है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अलीगढ़ पुलिस ने बताया कि CAA के विरोध में प्रदर्शन के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गए थे। इसके बाद इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। फिलहाल माहौल तनावपूर्ण लेकिन पूरे कंट्रोल में है। शहर की हालत में सुधार के लिए स्थानीय दुकानदारों से अपनी दुकान खोलने की अपील की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अलीगढ़ के SSP मुनिराज जी के मुताबिक 23 फरवरी को CAA को लेकर शहर कोतवाली के सामने महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, जो एक गलत फहमी में आक्रोशित हो गई। उन्होंने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने माहौल को नियंत्रण में लाने के लिए बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को दौड़ाया था। वहीं बुलंदशहर में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। SSP और DM लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, अमन कमेटी की बैठक कर रहे हैं और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने के लिए लोगों से अपीलें कर रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी पैनी नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा जनपद को सेक्टर और जोनल विभाजित कर मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाकर किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी की गई है। SPN9 न्यूज़ से पुष्पा की रिपोर्ट।